आज हमने राज्य के हमारे डॉक्टर्स समूह की एक छोटी सी बैठकें हम लोगों ने की है, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के जो विशेषज्ञ लोग, विशेष अनुभवी डॉक्टरों के साथ मौजूदा हालात पर थोड़ा चर्चा हमने की है, क्योंकि आपको पता है अभी जो कोरोना का आपदा है इसमें सभी स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोगों ने हाई अलर्ट पर रखा है और अभी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति दिशा दशा चल रही है, इस पर थोड़ा सा एक छोटी जानकारी हमने लेने का प्रयास किया है और आने वाले चुनौती को कैसे हम देख रहे हैं, उससे कैसे जूझेंगे, कैसे लड़ेंगे, इस पर हम लोग आज हम लोगों ने चर्चा किया है। सभी वरिष्ठ डॉक्टरों ने और सभी विशेषज्ञों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी बातों को रखा है और आज बिल्कुल ये सब तैयार हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हम लोग हर संभव इस जंग को लड़ेंगे और इस आपदा से बाहर निकलेंगे। सर, बड़ा सवाल यह है, लॉकडाउन को बढ़ाएंगे क्योंकि सर्वदलीय बैठक में पीएम ने संकेत दिया है, तो आप क्या कहते हैं, आपका क्या, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर से बात हुई, आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए? देखिए, ये आपदा है, आपदा कभी भी कोई भी रूप ले सकता है, हो सकता है ये विकराल हो जाए अचानक, हो सकता है कि जहां है वहीं स्लोली ये स्लो मोशन में रहे, ये मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूं और आपदा का एक मैं कैरेक्टर बता रहा हूं आज, इसलिए इन सब चीजों को बहुत पहले बातों को रख देना मुझे लगता है कि एक ये मानवैज्ञानिक असर आम जनों पर पड़ता है, जो फंसे हुए लोग हैं, मजदूर हमारे जो क्वारंटाइन है, लोग जो आइसोलेशन में हैं, लोग वो एक मानवैज्ञानिक असर करता है, कहीं वो अच्छा भी हो सकता है, कहीं वो बुरा भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों से इस विषय पर आग्रह यही है कि इसका मैं समय अनुसार निर्णय हम आप लोग के बीच में रखेंगे। अभी इन सभी चीजों का आकलन बहुत माइक्रो लेवल पे किया जा रहा है। टेस्टिंग को लेके टेस्टिंग को लेके भी सुझाव मिले हैं झारखंड में, और जो नेवर स्टेट है उसको लेकर भी ये साल रैपिड टेस्ट कम हो रहा है, इस वजह से परिणाम कम आ रहा है, इस पर कुछ सरकार कर रही है? आज ये धीरे धीरे चीजें हमारी गति आ रही है और ये बात सही है, संसाधनों का अभाव जरूर है, अब पूरे देश में ये समस्या है, संसाधन सभी के जगह पर हालात ये है और जहाँ कुछ संसाधन प्राइवेट भी है तो स्थिति वहाँ और भी भयावह हो रहा है कि अस्पतालें बंद हो जा रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो जा रहे हैं, ये स्थिति है। तो आज स्थिति ही बड़ा विपरीत है और हम लोग बिल्कुल हर कदम पूरे एहतियात के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और टेस्टिंग भी कैसी गति आएगी इस पर हम लोग